हे नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पहले डॉग का ट्रीटमेंट किया था मैक्स का, पूरे उसके बाल निकाल के उसको अच्छे से दवा करके और एकदम पूरी तरह से वो ठीक भी हो चुका था। बट अभी जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे उसके बाल दिख रहे हैं। बट आज मैंने कल सुबह उठ के जैसे देखा था तो इसने पूरा पीछे से चबा चबा के पूरा ब्लड निकाल दिया था और उसके स्किन इन्फेक्शन वापस से चालू हो गया था। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो उसका स्किन एलर्जी वापस से चालू हुआ, तो कल मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया था तो वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दिए और कुछ मेडिसिन दी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि डॉग का जो स्किन एलर्जी है बहुत जल्दी से ठीक होता है तो ये गलत बात है। आप देख सकते हो मैं इसका प्रॉपर इलाज कर रहा हूँ कितने दिनों से, तो भी इसका स्किन एलर्जी एकदम से चला जाता है फिर वापस से आ जाता है। अब देख सकते हैं कल ये मैंने दवाई ला के रखी है और एक शाम का जो डोज होता है वो भी उसको दे के उसकी दवाई स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्किन एलर्जी के चलते डॉग को काफ़ी ज़्यादा हैरान होना पड़ता है, वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। मैंने जो एक महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद भी देख सकते हैं पुरानी ट्यूब मेरी पड़ी है आप देख सकते हैं, तो ये वापस से आ जाता है। तो मैंने कल डॉक्टर के पास दिखाया, वो इंजेक्शन वगैरह दे दिए और वो कुछ बुखार भी था इसको सिम्टम थोड़ा करके, तो बुखार का भी मैंने जो उसको इंजेक्शन दिला दिया क्योंकि 2 दिन से काफ़ी गुमसुम सा रह रहा है। तो ये सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्टार्ट कोट कर का मेरे को एक सिरप दिया जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और 9 जैसे फैटी एसिड होते हैं वो डॉग के हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे शेडिंग चली जाती है और न्यू बाल अगर आपके डॉग के बाल झड़ रहे हैं या स्किन एलर्जी हो रही है तो उसको ये दवाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉग के हेयर के लिए। तो ये जो है डोज देना है और इसका जो प्राइस है 400 रुपया पड़ा है, तो ये 400 रुपये की मैं इसको ओपन भी आपको करके बताता हूँ। तो ये भी जो है मुझे 7-7 ml सुबह शाम देनी है डॉग को, ये वेट के हिसाब से भी होता है और आपके डॉग को ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट हो तो आप दे सकते हैं। बट आप देख सकते हो ये इसको अच्छे से पी लेता है, अभी तो इसने जस्ट पी के बैठा है तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा जो हमें जो स्किन एलर्जी के लिए जो ट्यूब आती है वो इसको दी है, देख सकते हैं आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ। तो ये एक ट्यूब है, ये मैंने 2 लेके आया, मैंने सोचा एक अगर जल्दी से ख़त्म हो जाती है तो दूसरा, ये 3 टाइम अप्लाई करना है जहाँ पे स्किन एलर्जी हो रही है, जहाँ पे रेडनेस हो रहा है तो वहाँ पे ट्यूब जल्दी से ख़त्म हो जाती है, तो आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं और ये कोई भी डॉग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं अगर स्किन एलर्जी है तो कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस मैं आपको वो भी बताता हूँ, 180 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, तो ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा जो दवाई दी है तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आप अपने डॉक्टर की राय लेके दीजिएगा, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो मेडिसिन है ये सुबह शाम एक एक देनी है, ये स्किन एलर्जी के लिए आती है और जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये और एक है, ये भी फंगल इन्फेक्शन के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने सजेस्ट किया है और ये दवाई ये पूरी चेंज करके मुझे नई दवाई दी है। पहले जो दवाई थी वो अलग थी और जो ये दवाई है ये 50 mg की आती है, ये खुजली के लिए आती है, आपको मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। 25 mg की आती है, वो भी आप डॉग की एज के हिसाब से डोज देना होता है। और जो ये दवाई दे के रखी है ये जो है 3 दिन हमें को 3 एक-एक करके देना है और जो उसके बाद मेरे को उसको हाफ करके सुबह शाम देना है। आप देख सकते हैं ये ट्यूब मैंने तीनों के तीनों ख़त्म कर दी लगा लगा के, बट जो उसका स्किन इन्फेक्शन है वो चला जाता है, वापस से आ जाता है, चला जाता है, ऐसा आता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी उसका स्किन इन्फेक्शन कैसा है देख सकते हैं आप। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो हमारे पुराने दवाई है जो देख सकते हैं आप ट्यूब 2 से 3 ट्यूब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्किन एलर्जी जल्दी से ठीक हो जाती है, तो गलत फहमी है, चाहे आपके पास कोई भी डॉग हो उसका जो इलाज है अच्छे से करे तो उसकी स्किन एलर्जी जल्दी से ठीक होगी, वरना बहुत टाइम लग सकता है, 6-6 महीने तक भी लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, देख सकते हैं अभी वो यहाँ पे बैठा है, मैं उसको आपको थोड़ा दिखा देता हूँ उसका स्किन एलर्जी का किस तरह से अभी हो रहा है। और ये चबाने के बाद ज़्यादा हो जाता है, देख सकते हैं आप ये इस साइड में गैप पड़ जाते हैं। अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, जैसे मैं दवाई चालू करूँगा ना वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और अच्छे से आपका डॉग जो अच्छे से हो जाएगा, जो भी जो मेडिसिन दी है जो लिक्विड है उसके कारण उसके हेयर अच्छे से आ जाएंगे। तो इसका जो जैसे कुछ आता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपके डॉग को भी कुछ ऐसी स्किन एलर्जी या कुछ हो रही है तो आप जरूर से डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट जरूर से कराए, यूट्यूब पे वीडियो ना देके जितना हो सके उतना ट्रीटमेंट जरूर से कराए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना।